अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए किड्स स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें एक होगा चॉकलेट बॉल और दूसरा होगा चॉकलेट क्रंच, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा और ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट क्रंच, जिसके लिए हमने लिया है हाफ कप कॉर्नफ्लेक्स। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसे इस तरह से फैला लेंगे। इसके बाद हम लेंगे दो डेरी मिल्क, जो कि हमने 50-50 ग्राम्स के लिए है, टोटल 100 ग्राम्स हमने लिया है। इसे हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ हमने एक सॉस पैन में थोड़ा सा पानी बॉईल होने रखा है, इस पर हम इस तरह से एक बॉल रख देंगे। इसमें हम ये चॉकलेट मेल्ट करने के लिए रख देंगे और फ्लेम लो रखेंगे, इस तरह से तोड़ कर रख देंगे। तो ये देखिए, कुछ देर बाद चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर निकाल देंगे इसे। अब हम इस कॉर्नफ्लेक्स में इस चॉकलेट को ट्रांसफ़र कर देंगे और इस प्रोसेस को हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि चॉकलेट जल्दी से सेट हो जाता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे चारों तरफ से फैलाकर बिल्कुल एक लेयर की तरह इस तरह से बना लेंगे और इसे कुछ देर सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरे लिए हैं और साथ ही हमने 50-50 ग्राम्स के 2 कैडबरी भी लिए हैं। तो सबसे पहले हम मुरमुरों को रोस्ट कर लेंगे, फ्लेम लो रखेंगे इस तरह से। इसे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे इस तरह से रोस्ट करेंगे। देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम प्रोसेस में कैडबरी को फिर से मेल्ट करेंगे। इसी तरह से सॉस पैन में थोड़ा पानी बॉईल कर लेंगे, चूल्हे पर रख देंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से एक बॉल रख देंगे, इसमें हम चॉकलेट तोड़ कर डाल देंगे। यहाँ पर भी हमने 50 ग्राम्स के 2 चॉकलेट लिए हैं, यानी कि टोटल हमने 100 ग्राम्स लिए हैं। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें इस पफ राइस को मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा, क्योंकि चॉकलेट जल्दी से सेट हो जाती है इसीलिए। और सारे मुरमुरे हम नहीं डालेंगे, देख कर डालेंगे, जितनी ज़रूरत रही उतनी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक बॉल का शेप देने के लिए एक स्पून ले रहे हैं, क्योंकि हम हाथों की मदद से करेंगे तो वो स्टिकी होता है चॉकलेट, ठीक से बन नहीं पाएगा। इस तरह से हमने स्पून की मदद से इस तरह से इसे बनाया है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से निकल रहे हैं बॉल बनकर ये। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटे बाद हमने चॉकलेट बॉल्स को भी निकाल लिया है और चॉकलेट क्रंच को भी निकाल लिया है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे चॉकलेट क्रंच को कट करेंगे इस तरह से पीसेस में। बड़ी आसानी से कट हो जाता है ये। इस तरह से कट कर लेंगे हम। तो ये देखिए कितना अच्छा पीस निकल कर आया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट बॉल्स और चॉकलेट क्रंच, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल रेडी है। अब हम चॉकलेट क्रंच को भी देख लेते हैं। ये देखिए ये भी इसी तरह से क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।